ये क्या कर रहे हैं आप? झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? ये ठीक नहीं है। हम किसी से कहा झूठ कह रहे हैं, लेकिन सच भी तो नहीं बता रहे। पर तो कैसे बताएं? गायत्री जी ने साफ साफ कह दिया था कि वो विधवा को बहू बनाने के लिए राजी है, मगर वो तलाकशुदा को कभी बहू नहीं बनाएंगे। हमने अपने बेटे को भुलाकर अपनी बहू का साथ दिया है, क्योंकि हमारा बेटा गलत था। हम शायद प्रशांत को माफ भी कर देते और आरती भी, अगर वो अपनी गलती मानकर वापस आ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। शोभा, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। फिर कौन सी बात है जो तुम्हें रोक रही है? यही कि गायत्री जी से हमने आरती के तलाकशुदा होने की बात छिपाई। अरे शोभा, तुम भी। शोभा, प्रशांत के जाने के बाद कितना कुछ सहा है हमने इंदौर में। समाज, बिरादरी के ताने जो हमसे कहते थे कि बहू को अपनाकर अपने बेटे को ठुकरा दिया, लेकिन हम लोग ने हार नहीं मानी। हम लड़ते रहे, जूझते रहे। नतीजा क्या हुआ? हमें वो शहर छोड़कर यहां भोपाल में बसना पड़ा। देखो, तुम चाहती हो ना कि आरती का घर संसार फिर से बच जाए और अंश को उसके पापा मिल जाए। हाँ, मगर ये बस बस। तो फिर मेरी बात मानो, गायत्री जी से सच छुपाना होगा कि आरती विधवा नहीं तलाकशुदा है। आरती विधवा नहीं तलाकशुदा। और अब बहस मत करना, तुम्हें मेरी कसम। आरती की ये तस्वीर मैं उनके पास भिजवा देता हूं, और तुम आरती से मौका देकर बात कर लेना। मेरे बारे में ही बात कर रहे थे ना आप दोनों, इसलिए मेरे आते ही दोनों चुप हो गए। लगता है आप किसी और को भी थप्पड़ खिलवाना चाहती है। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, तो ये सोच के खाने में क्या बनाना है। चल रसोई में, चल मैं आती हूं। जा ना। चल चल। इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी पत्नी आ जाएगी तो पहली पत्नी के खोने के दुख को धीरे धीरे भूल जाएगा यश। लेकिन लेकिन क्या? लड़की क्या ठीक रहेगी यश के लिए? मुझे तो लगता है सही रहेगी, क्योंकि वो खुद एक माँ है, बच्चों की परवरिश तो अच्छी तरह जानती होगी। और फिर हम सब भी तो हैं, धीरे धीरे ढाल लेंगे उसे अपने परिवार के रंग ढंग में। इस बार आप बात कीजिए ना बाबूजी। मैं बात करता हूँ उससे, तुम लोग जाओ। बहुत समय दिया हमने तुम्हें सोचने के लिए। ये मानते हैं हम कि हमारी मंझली बहू बहुत गुणी और संस्कारी लड़की थी, और ये भी कि तुम अभी तक अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाए हो। जिस दरवाजे के खुलने की उम्मीद ही नहीं है, उस पर दस्तक देते रहना समझदारी नहीं कहलाती। तुम बिजनेस को अच्छी तरह संभाल रहे हो, बच्चियों को भी, लेकिन बेटा तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती हमसे। दो दो बच्चियां हैं तुम्हारी, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। प्रतीक की शादी तुम्हारे कारण रुकी हुई है। एक लड़की देखी हमने तुम्हारे लिए, उम्मीद करते हैं तुम्हें पसंद आएगी। इस रिश्ते के लिए तुम्हारी हां सुनना चाहता हूं मैं। बेटी कितनी ही अपनी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे मां का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। देख लेना लड़का, मेरी खातिर भरोसा रख, मैं तेरा अच्छा ही सोचती हूँ। अंश को तो इस परिवार से अधूरा प्यार मिला, वो परिवार शायद इस मासूम के जीवन की सबसे बड़ी कमी को बस। अगर ये आंसू टपका तो मैं भी रो दूंगी, और मेरा रोने धोने का मूड अभी बिल्कुल नहीं है। अगर आप यही चाहती हैं तो
मैं सोचती हूँ इस बारे में। सच सोचूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भी करती है, बस अब अपने आंसू पोंछ लीजिए आप। मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो यश, तुमने बहुत अच्छा किया जो शादी के लिए हाँ भी भरती। एक नई शुरुआत का मौका मिला है तुम्हें। नई शुरुआत तो तब की जाती है जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मेरे मन में तो अभी भी। आरती और अंश के आने वाली जिंदगी, उसकी खुशियों के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा। आपकी कसम मानी कि उन लोगों को सच नहीं बताएंगे, लेकिन ये शर्त मना कर दीजिए। एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं। मां से बच्चे को अलग करना ये तो पाप है। तुम्हारा कहना सही है शोभा, लेकिन अगर अंश को अपने पास रख लेते तो इसमें बुराई क्या है? आप ये भूल रहे हैं कि आरती ने अभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, और अगर वो हाँ कहेगी तो सिर्फ अंश के भविष्य के बारे में सोचकर। अंश को छोड़कर वो कभी पुनर्विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, कभी नहीं।